अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मोतिया या कैटरक्ट जो है उसके ऑपरेशन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि ऑपरेशन के बाद क्या एहतियातें होती हैं, बड़े क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें दो तीन एहतियातें हैं जो आपको बतानी है। अक्सर सवाल आते हैं, भाई हम चावल खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, ज़ख़म कच्चा होगा, तो देखिए इसमें खाने पीने में हम कोई एहतियात नहीं बताते, आप सब कुछ खा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन जहाँ तक कुछ एहतियातें हैं वो ये हैं कि आप एक तो वज़न नहीं उठाएंगे, क्योंकि हम इसमें 2.8 मिलीमीटर का छोटा सा चीरा लगाते हैं, तो वो चीरे के लिए आपको ये एहतियात बताते हैं, एक तो वज़न नहीं उठाइए और दूसरा ये कि अगर एक दो दिन तक नमाज आप बैठ के पढ़ें तो बड़ा अच्छा रहेगा। और अगर आप इवन कुकिंग करना चाहते हैं जिसमें धुआं ज़्यादा ना हो, जैसे चाय पकाना चाह रहे हैं या इवन सालन बनाना चाह रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। बस ये कि आजकल गैस की शॉर्टेज है, तो ये ना हो कि आप जो है ना वो लकड़ी पे बनाना शुरू कर दें, तो इसकी एहतियात है। और दूसरा ये कि पानी स्प्लैश नहीं करना हमें आँखों में, तो ये दो तीन एहतियात हैं। उसके अलावा आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें, कोई इसमें फर्दर एहतियात की ज़रूरत नहीं है। चीरा छोटा हो गया है, ऑपरेशन आसान हो गया है, लेकिन ये दो तीन एहतियात अगर आप करेंगे एक हफ्ते तक, तो इंशाल्लाह आपकी आंखें जल्दी बेहतर हो जाएंगी। खाने पीने में सब कुछ खाइए, डाइट नहीं कीजिए, विटामिन सी की चीज़ें ज़रूर लीजिए। शुक्रिया।